हेलो फ्रेंड्स, मैं पूनम, पूनम सीन किचन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सभी के लिए एक ब्रेकफास्ट की रेसिपी लेके आई हूँ, या स्नैक्स कहिए, बहुत ही यम्मी लगेगा आप सभी को। आप इमेजिन करिए कि ये क्या हो सकता है। कचौड़ी तो आपने कई तरीके की खाई होंगी, लेकिन ये बिल्कुल डिफरेंट है। यूट्यूब पे पहली बार आप देखिएगा, बहुत ही अच्छी खस्ता कचौड़ी जो कि हम बहुत ही आसानी से बना सकते हैं और बहुत ही कम समय में बहुत ही झटपट रेडी होती है। रेसिपी अगर पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा। और सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। पास में जो बेल बटन है उसको भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आगे आने वाली रेसिपीज की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो फटाफट रेसिपी स्टार्ट करते हैं। कोकोनट की कचौड़ी बनाने के लिए सबसे पहले हमें डो रेडी करना होगा, तो उसके लिए एक परात लेंगे। हाफ कप यहाँ पर सूजी लिया है मैंने, महीन वाली सूजी ली है, आपके पास जो भी है आप वो ले सकते हैं। और उसको मिक्सर ग्राइंडर जार में डालकर उसको पीस लें तो बारीक सूजी बन जाएगी, तो यहाँ पर मैंने बारीक वाली सूजी का यूज़ किया है। और हाफ कप गेहूँ का आटा लेंगे। आप चाहें तो सिर्फ गेहूँ के आटे से भी बना सकते हैं, लेकिन अगर आप सूजी यूज़ करेंगे तो बहुत ही क्रंची ऊपर से बनेंगी, बहुत ही कुरकुरी सी, तो इसलिए मैं सजेस्ट करूँगी कि आप इसमें सूजी का ज़रूर यूज़ करें। हाफ स्पून नमक, 2 चम्मच इसमें तेल डालेंगे, जिससे कि इसमें हल्का सा मोयन आ जाएगा, बहुत ज़्यादा तेल का ज़रूरत नहीं है। अब ये सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें, बहुत ही कम सामान से ये रेडी होती है फ्रेंड्स। अच्छे से देखिए इस तरह से मिक्स कर लीजिएगा, फिर बाद में हम इसका डो लगाएंगे। तो इस तरीके से हाथों से क्रम्बल करते हुए हमें इसे मिक्स करना है, जैसे कि हम खस्ता कचौड़ियाँ बनाते हैं बस वैसा ही। बहुत ही खस्ता कचौड़ी बनकर रेडी होती है इस तरीके से, और मोयन भी इसमें कम ही लगता है इन कंपेरिजन अदर कचौड़ी की। ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है, एक बार हाथ में ऐसे उठाइए, हल्का हल्का इस तरह से बॉन्डिंग हो रही है इसमें, देखिए बन रहा है। बस इतना ही हमें इसको मिक्स करना है। अब पानी डाल के इसका सॉफ्ट डो रेडी कर लेंगे। पानी थोड़ा थोड़ा डालें, एक साथ पूरा पानी ना डालें, नहीं तो ये गीला हो जाएगा। और फिर बहुत ज़्यादा गीला हमें नहीं करना है, हमें सॉफ्ट डो बनाकर रेडी करना है, जिससे कि इसकी फिलिंग अच्छे से हम कर सकें और बहुत ही अच्छी, जिससे कि फटेंगी भी नहीं, बहुत ही अच्छी रेडी होंगी। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हाथों में इस तरह से पानी लीजिए, जिससे कि हमें अंदाज़ा मिल जाता है पानी कम है या ज़्यादा है, और इसमें एकदम से ज़्यादा पानी नहीं मिक्स हो पाएगा। सॉफ्ट डो हमें बनाना है, लेकिन हमने इसमें सूजी ऐड की है तो ये थोड़ा सा पानी को और एब्जॉर्ब कर लेगी। तो थोड़ा सा गीला गीला ही आप इसको रखिएगा, बाद में थोड़ा सा जब ये पानी को एब्जॉर्ब कर लेगी ना तो थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा। तो ये देखिए मैंने इसको बहुत ज़्यादा भी डो नहीं किया है, बस इस तरह रफली हल्का सा इसको गूंद दिया है। अब इसको देखिए, आप इसको देख सकते होंगे थोड़ा सा ये लिक्विडी सा है, ये देखिए। तो अभी हमें इसी तरीके से रखना है, इसको ढक देंगे, 10 से 15 मिनट सेट होने के लिए रखेंगे, फिर इसको एक बार और गूंद लेंगे। तो मैं इसे एक प्लेट से ढक कर रख देती हूँ। अब कचौड़ी की फिलिंग रेडी करते हैं। तो कचौड़ी की फिलिंग बनाने के लिए मैंने यहाँ पे कच्चा नारियल लिया है, जो कि पानी वाला नारियल होता है ना कच्चा, बस वही लेना है। उसे हमें कोकोनट को निकाल लेना है, ये देखिए मैंने निकाल लिया है। अब इसका जो ब्लैक पार्ट है इसको नाइफ के हेल्प से हम छील देंगे या पिलर के हेल्प से। एक मिक्सी का जार लेंगे, मिक्सी के जार में जो हमने कोकोनट कट करके रखे थे ना उसको छोटे छोटे पीसेस में और कट कर लिए, जिससे कि पीसने में आसानी होगी। तो इसको हमें मिक्सी के जार में ऐड कर देना है। अभी मैं सिर्फ इसको ऐसे ही पीसूंगी, आप चाहें तो इसमें धनिया, मिर्च, लहसुन भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसका यूज़ अभी नहीं करूँगी और बस इसको महीन पीस लेंगे। ये देखिए हमने इसको पीस लिया है और इस तरीके का ये रेडी हो गया है। ये बिल्कुल महीन नहीं बनेगा, थोड़ा सा ये ऐसे जरजरा सा ही रहेगा क्योंकि नारियल है ना, और इसमें हमने पानी भी नहीं डाला, कुछ भी नहीं डालेंगे, बस ऐसे ही हमें ड्राई इसको पीसना है। अब एक मिक्सिंग बाउल में इसे हम निकाल लेंगे, इस तरीके से हम इसे निकाल के रेडी कर लेंगे। अब फिलिंग के लिए हमने यहाँ पर एक तवा रखा है, तवे में रखेंगे 2 चम्मच बेसन। तो बेसन डालने से क्या होगा, हमारी उसमें जो एक टेस्ट होगा बहुत अच्छा आएगा, कोकोनट की जो कचौड़ी बनती है। तो इसको एक हल्का सा हमें रोस्ट करना है, स्लो फ्लेम पर हमें रोस्ट करना है, हल्की हल्की खुशबू आने लगेगी, बस इतना ही। ये देखिए 1 मिनट हमने इसको भून लिया है, 1 से 1.5 मिनट का लगभग हो गया है, इसका हल्का हल्का कलर भी चेंज होने लगा है, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। अब इसमें ऐड करेंगे 1 कटी हरी मिर्च, कटा हरा धनिया, 1/2 स्पून चाट मसाला,
नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमने आटे में मिक्स किया है, ध्यान रखिएगा। और अब इसमें ऐड करेंगे जो हमने बेसन भून कर रेडी किया है ना, तो थोड़ा थोड़ा करके इसको मिक्स करें, एक साथ पूरा बेसन ना डालें, हो सकता है कम की ज़रूरत हो। हम लोगों ने 2 स्पून भुना है ना, तो बस इसको इस तरह से मिक्स करेंगे, जो कोकोनट का एक्स्ट्रा मॉइस्चर होगा वो बेसन के साथ में वो एब्जॉर्ब कर लेगा। जब हम इसको भरेंगे तो बहुत अच्छे से हम इसको भर भी सकते हैं स्टफिंग को, तो इसलिए बेसन को हमने इसमें डाला है और टेस्ट भी लाजवाब आएगा इससे। ये सभी चीज़ें देखिए अच्छे से मिक्स कर ली हैं। आप चाहें तो इसमें गरम मसाला पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, लाल मिर्च पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें ये सब चीज़ें नहीं ऐड की हैं, क्योंकि कोकोनट का टेस्ट जब कचौड़ी में आएगा बहुत अच्छा लगेगा। तो बहुत ही कम मसाले से इसको हम रेडी करेंगे, स्टफिंग में ज़्यादा मसाला यूज़ नहीं करेंगे। 15 से 20 मिनट हो गया है, देखिए आटे ने भी रेस्ट कर लिया है, इसको एक बार हाथों से अच्छे से गूंथ लेंगे फिर से। इस तरह से ही मिक्स करना है, ज़्यादा इसे गूंथने की ज़रूरत नहीं क्योंकि सॉफ्ट है, डो हमें सॉफ्ट ही रखना है, ये ध्यान रखिएगा। ये देखिए डो को हमने चिकना कर लिया है, हाथों की हेल्प से इस तरह से हमें इसे करना है, रोल कर देंगे। इस तरह से हमने इसको रोल कर लिया है। अब इसकी छोटी छोटी लोई तोड़ लेंगे, क्योंकि कचौड़ी है ना, तो कचौड़ी थोड़ा छोटी छोटी रहती हैं, तो पूड़ी से हमें थोड़ा छोटी रखनी है, तो थोड़ा थोड़ा हमें इसे इस तरह से लोई को तोड़ के रेडी कर लेंगे। अब इनको हमें हाथों की हेल्प से इस तरह से जैसे लोई बना के रेडी करते हैं, हल्का सा सर्कल करके चपटा कर देना है। तो इसी तरीके से हम सभी को रेडी कर लेंगे, हल्का सा राउंड करेंगे और हल्का सा चपटा कर देंगे, जिससे कि हमें भरने में आसानी रहेगी स्टफिंग इसकी। अब इस तरीके से हाथ में एक लोई को लेना है और हाथों के ये जो थंब है हमारा अंगूठा, इसकी हेल्प से हमें इस तरीके से करते हुए इसे होल कर देना है थोड़ा सा, जैसे कि हम किसी भी पराठे की स्टफिंग करते हैं, सेम वही प्रोसेस है। और इस तरीके से ये लोई बड़ी हो जाएगी। अब इस सेंटर में हम जो स्टफिंग हमने रेडी किया है उसको रख देंगे। तो स्टफिंग आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, मैं यहाँ पे 1 स्पून रखूँगी, तो इसमें अच्छा स्टफिंग भी हो जाएगी और ये फटेंगी भी नहीं बिल्कुल भी, आप बेफिक्र रहिए, बिल्कुल भी नहीं फटेंगी। और हाथों की इस तरह से लेना है और थंब की हेल्प से हमें इसको अंदर को प्रेस कर देना है इस तरीके से। और जो इसका साइड वाला भाग है इसको हल्का सा हमें इस तरीके से उठाना है, देखिए कितना ईजी है। और बस इसको हमें सील कर देना है, यहाँ से क्लोज कर देंगे और इसको हल्का सा चपटा कर देंगे। और बस हाथों से ही हमें हथेलियों की हेल्प से इसको चपटा कर देना है, इसको हम बेलेंगे नहीं, हाथ की ही हेल्प से इस तरह से करके ही हम इसको रेडी करेंगे। इस तरह से हमारी जो कचौड़ी है ये बिल्कुल भी नहीं फटेगी, देखिए आप देख सकते होंगे हथेलियों की हेल्प से ही मैं इसको इस तरह से चपटा कर रही हूँ। और ये हमारी एक कचौड़ी बनकर रेडी है, इसको साइड में रखते हैं। इसी तरह एक कढ़ाई में तेल रख दिया है गरम करने के लिए, हल्का सा गरम, गरम क्या मतलब अच्छे से हमें इसे गरम करना है, फिर गैस का फ्लेम मीडियम कर लीजिएगा। तेल देखिए अच्छे से गरम हो गया है, इसमें डाल देंगे तो हमने कचौड़ी फिल करके रखी है, तो ये देखिए एकदम से ऊपर नहीं आ रही है, धीरे धीरे पकेंगी, गैस का फ्लेम मीडियम रख के हमें इसे पकाना है। हल्का सा स्पैचुला की हेल्प से इस तरह से कर देंगे, इसको पलट देंगे। अब पलट पलट के गोल्डन ब्राउन कलर तक हमें इसे पकाना है। ये देखिए अच्छे से फूल भी गई है और बस यही कलर हमें लाना है कचौड़ी का, देखिए कितना अच्छा लग रहा है। इसको साइड में निकाल लेते हैं और तेल इसमें ज्यादा है तो हम इसमें 2-3 डाल देंगे एक साथ। ये देखिए कचौड़ियाँ बनकर रेडी हैं, इनको प्लेट में निकाल लेते हैं सभी को। ये देखिए मैंने इनकी सभी की सर्विंग कर ली है, कितनी अच्छी लग रही हैं, बिल्कुल खस्ता। और हरी चटनी या आप इमली की चटनी के साथ इसे सर्व करिएगा, बहुत ही खस्ता ये रेडी होती है। देखिए मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, ये देखिए गर्म है एकदम, आप देख सकते होंगे कितनी बढ़िया स्टफिंग है, बहुत ही खाने में टेस्टी लगती है। अगर आज की रेसिपी आप सभी को पसंद आती है तो इसको लाइक करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अपना ध्यान रखें, घर में रहें, मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें, बाय बाय।